और वही चीज़ तो चाहिए एक्चुअली। इसका नाम है चीज़ चिली टोस्ट। उनको लगा हमने बॉइल खाने, डबल मसाला हो गया मतलब। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको अंडे का ही काम शुरू करने का? वैसे आपकी लाइन दूसरी है, क्या लाइन है? लाइन मेरी केबल टीवी की होती है। अच्छा, केबल टीवी की थी। आपको गार्लिक पसंद है ना, तो आपको ये आइटम बहुत बढ़िया लगेगा। सब्सक्राइब कीजिए दिल से फूडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फूड ब्लॉग्स देखने के लिए। तो लीजिए जनाब, आज हम आ गए हैं अंकल अंडे वाले पे। जी हाँ, पुरानी दिल्ली के मशहूर अंकल अंडे वाले, और यहाँ पर हम खाने वाले हैं कुछ बढ़िया सा यूनिक आइटम। कहाँ पर आए हूँ लोकेशन एक बार समझा देता हूँ। ये है पीरागढ़ी का पुल, उस पुल के नीचे आप पिलर नंबर 7 और 8 के जस्ट सामने। नहीं तो ये कौन सी पेस्ट्री शॉप है मनी? पेस्ट्री पैलेस उसके जस्ट सामने, उसके जस्ट सामने ही आपको दिख जाएगा एक ई कार्ड, जिसको किचन के लिए, किचन के अंदर कन्वर्ट किया गया। तो बनवाते हैं कोई बढ़िया आइटम और आज़ाद खिलाता तेरे को बढ़िया अंडे। ये चीज़ चिली गार्लिक। हाँ, क्या बात है। दो अंडे डाले हैं। हाँ, अब ये मसाले डाल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया खाने के लिए अंडे का, तो किसी भी फॉर्म में बना सकता है। मतलब इतना ज़्यादा वैरायटी बन जाती है अंडे की, क्या बात है। गर्मा गर्म तवा, उसके ऊपर अंडा फेंट के डाल देंगे। तो ये देखो जी, अंडा फेंट रहे हैं बढ़िया सा। ये प्याज काट के रखा हुआ है, प्याज और धनिया मिक्स, अदरक पड़ी हुई है, लहसुन पड़ा हुआ है, नींबू पड़ा हुआ है। अच्छा, उसमें कूट, अच्छा वो हमाम दस्ता पड़ा, उस हमाम दस्ते में कूट के डालते हैं। तो ये चीज़ चिली गार्लिक बन रहा है बढ़िया सा। तवे पे डाल दिया जी बटर। एक केड़ा बटर है? अमूल जी। अमूल, क्या बात है। कितने साल हो गए थे? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और पहले कहीं और थे? पहले सी ब्लॉक था, रेडियो मार्केट में, विकासपुरी। और अब यहाँ पे आ गए। ये लो भाई जी, अंडा डल गया है। अब ये ब्रेड को अच्छे से लिपटा देंगे। बहुत ही बढ़िया। ये सर 200 रुपये का है। 200 रुपये का ये। अब इसमें डलेगा चीज़ स्लाइस। 4 चीज़ स्लाइस डालेंगे। अरे बाप रे, 4। ग्रीन चिली डालेंगे टॉप। ग्रीन चिली मत डालना बस। भूल गया। तो ये डालेंगे जी चीज़ स्लाइस इसके अंदर, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 4। और साथ में डल रहा है लहसुन। लहसुन को चॉप कर लिया, लहसुन को चॉप कर लिया, और 4 चीज़ स्लाइस डलेंगे ये बड़े 4 चीज़ स्लाइस। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको अंडे का ही काम शुरू करने का? वैसे आपकी लाइन दूसरी है, क्या लाइन है? लाइन मेरी केबल टीवी की होती है। अच्छा, केबल टीवी की थी। अच्छा, फादर का भी, दादाजी का भी सबका यही काम। ये मसाले डल रहे हैं, ये बड़ा अलग ही तरीके का है मामला। सारा कुछ एक ही जगह इकट्ठा कर दिया आपने। ये लो भाई, अब इसको पूरा मिक्स किया जा रहा है, इसको पूरा मिक्स किया जा रहा है, और वो उसके अंदर फिलिंग होगी इसकी, स्प्रेड कर देंगे। हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब ये डलेगा पूरा इसके ऊपर। इसके अंदर 4 चीज़ स्लाइस है और गार्लिक है इसके अंदर बढ़िया सा। अरे वाह भाई वाह, क्योंकि अभी इसके ऊपर बढ़िया सी चीज़ करेंगे, ये फायर, आग लगाएंगे और आग से इसको रोस्ट करेंगे। देखो जनाब, अब होगी रोस्टिंग।
अब इसे रोस्ट किया जा रहा है। गार्लिक, चीज, हर एक चीज मेल्ट हो जाएगी और एकदम जैसे वो बर्न फ्लेवर होता ना, वो बर्न फ्लेवर आ जाएगा और वही चीज़ तो चाहिए एक्चुअली। इसका नाम है चीज़ चिली टोस्ट, चीज चिली गार्लिक ऑमलेट टोस्ट। 200 रुपये कीमत है इसकी। बहुत ही बढ़िया। अब गार्लिक का बहुत तगड़ा फ्लेवर आएगा, अगर आपको गार्लिक पसंद है ना तो आपको ये आइटम बहुत बढ़िया लगेगा। अब ये डल रहा है इनका मसाला मिक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग। ओके अब ये रेडी हो गया। नींबू बहुत बढ़िया, डन। अब ये डन हो चुका है और अगला आइटम लगाने वाले हम, देखते हैं कि क्या बढ़िया आइटम अगला। ये बन रहा है जी इनका स्पेशल, अंकल अंडे वाले का स्पेशल बॉइल्ड एग टिक्का। जी हाँ, तो ये बटर के अंदर प्याज डाला है और प्याज के अंदर धनिया भी है। कितने अंडे जाते हैं इसके अंदर? 300 अंडे। और कितने रुपये का आइटम है ये? जी 150 रुपये। 150 रुपये। और साथ में क्या देते हो खाने के? बन। बन। तो ये टमाटर डल गए हैं। एक तरीके की भुर्जी वाला पूरा आइटम है, बट उसके अंदर जो अंडों को जो है वो चॉप कर देते होंगे, है ना, टिक्के की तरह। बहुत बढ़िया, खुशबू अच्छी आ रही है देसी, वो उसकी हमारे देसी बटर की हमारे बटर की खुशबू अच्छी आ रही है। चटपटी सीखा साथ में आई है क्योंकि अंडे खाती है। ये लो जी बन भी लगा रहे हैं, ये भी किसी बढ़िया स्टाइल वाले बन हैं। दो बन मिलेंगे साथ में, ये मिलेगा 150 रुपये का आइटम है, एक बंदे के लिए इज इनफ। बहुत बढ़िया, मज़ेदार मसाले डल रहे हैं। अच्छे से मैश किया जा रहा है, जैसा जैसा लग रहा है पाव भाजी बन रही है भाई। पानी तो थोड़ा, पानी डलेगा। तो ये ग्रेवी वाला आइटम होता है क्या? लटपटा। तो ये देखो भैया बॉइल्ड एग है, ये डबल मसाला हो गया मतलब। रेडी है? नहीं। अभी डलेगा कुछ? मसाला डल गया है, मन्नी के मुंह में पानी आ रहा है। और ये डल रहा है जी थोड़ा सा अमूल का बटर, फाइनल टच। खाएगी तो टेस्ट करेगी करिए। हाँ स्पाइसी होगा, एक बाइट लेके छोड़ देगी। आइटम हो गया जी हमारा रेडी। तो बन ऐसे ही बन खाते हैं या अभी करोगे कुछ? बटर में करेंगे। रेंज ओवर पर निकली मारुति बटर को लगाया जाएगा, सॉरी बन को लगाया जाएगा मस्का। ये देख भैया आप ऐसा बननी, ये होता है उसके बाद करते हैं टेस्ट। अरे वाह मसाले डाल के इसको करते हैं टेस्ट। ये टोटल आइटम है 150 रुपये का, जिसका नाम है क्या नाम है इसका? बॉइल्ड एग टिक्का विद बन। बॉइल्ड एग टिक्का विद बन, ये थी भाई असली बाइक जो गई थी। और आज दिखाते हैं कुछ बढ़िया सा खाते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या है, कितने रुपये का है। और चलिए देखते हैं कहाँ पर आया हूँ मैं। पीरागढ़ी वाला पुल है ये, उसके पिलर नंबर 7। और तो एक बार आप देख लो कि आइटम कौन कौन से हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुलचा ऑमलेट है, स्पेशल ब्रेड ऑमलेट है, एग भुर्जी है, फ्रेंच ऑमलेट है, जो नॉर्मल भी होते हैं ना वो भी है। ऐसा नहीं कि हर एक आइटम 150-200 का है, 60 रुपये से स्टार्ट है, 60, 80, 90, 130, हाईएस्ट जो है
वो 200 रुपये का इन्होंने बताया, पर वो इसके अंदर है नहीं। वो ये 220 एग पिज्ज़ा है, पर वो इन्होंने बोला कि जो वो है जो आइटम हम खाने वाले ना, ये नया आइटम, ये है इनका फ़ोन नंबर, अगर आपको अंकल को मिलना है या एड्रेस नहीं मिल रहा तो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल करके आ सकते हो। आप चलते हैं टेस्ट करते हैं आज। तो लीजिए जनाब, टेबल सज चुका है, शाम हो गई है, पीरागढ़ी के चौक पे, सॉरी पुल के नीचे खड़े हैं और करते हैं टेस्ट। पहला चीज़ गार्लिक वाला, ये देख बन्नी, ये है इनका जो इनको ऊपर वो आग लगा के वो किया था। तो थोड़ा सा लगाते हैं चटनी, ओहो गार्लिक बहुत ज़्यादा। इफ़ यू लव गार्लिक देन दिस इज, ये तुम्हारे लिए है सबसे बेस्ट। गार्लिक का फ्लेवर बहुत तगड़ा है, क्योंकि जो चॉप किया था ना वो चॉप गार्लिक मुंह में आ रहा है। मसाले वाला बन साथ में टिक्का, ये 150 रुपये का आइटम है, वो 200 रुपये का, थोड़ा सा कॉस्टली है ना, है मनी? ये 150 रुपये वाला आइटम इज़ गुड, मतलब क्वान्टिटी के हिसाब से। और वो दो ब्रेड है, तो और वो चीज़ गार्लिक चीज़ ले, चार स्लाइस। उसकी टेक्निक भी अलग यूज़ की है। टेस्ट के लिए इज बेस्ट, दिस वन इज गुड, अमेजिंग टेस्ट। डिफरेंट है या नॉर्मल जैसे सबके होते हैं? ये बहुत बढ़िया। अभी अमन्नी पाजी और चटपटी जी का टेस्ट करेंगे। पहले ये इसका सुना हमने, तो ये ट्राई करते हैं यार। अच्छा, ये काफी तारीफ हुई है। गार्लिक देखना भाई, इसी तरह में गार्लिक आएगा, गार्लिक ब्रेड जैसा आ रहा है, अंडे का भी आ रहा है। तेज बोलो, माइक मेरे पास है। मैं कह रहा हूँ गार्लिक का बहुत अच्छे वाला, मतलब डोमिनेटिंग लग रहा है बिल्कुल। मुँह में डाल रही गार्लिक के बर्स्ट है फ्लेवर्स का। और ये देखो भाई, मज़ेदार चीज़ है। ये वाला सिंपल है, ये तो एक तरीके का ये है कि अंडा भुर्जी से बनती है ना, वही सेम मसाला है, बट बस बॉइल्ड एग भुर्जी है ये। जो मैं बॉइल्ड एग को मसाले में ज़रा लटपटा कर, बट ये अच्छा है, ये दिस वन इज़ गुड, मस्ट ट्राई है। 200 रुपये कॉस्टली नहीं है थोड़ा सा? मेरे हिसाब से 150 का होना चाहिए, 150 का ना, थोड़ा सा महंगा है। मैं बोल रहा हूँ ना, 200 रुपये थोड़ा सा कॉस्टली है, बट यार टेस्ट अगर आपको चाहिए देन आई थिंक आपको ये टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, है ना? जो गार्लिक ब्रेड भी तो लेते हैं, इतनी महंगी आती है। हाँ हाँ, अगर आपको एग्स अच्छे लगते हैं और गार्लिक ब्रेड अच्छे लगते हैं तो आप ये ट्राई करो, बेस्ट ऑप्शन है, हेल्दी भी है उस हिसाब से, सही है। हेल्दी तो क्या होगा, बटर इतना। तो चलते हैं हम अपनी अगली जगह पे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। पीरागढ़ी वाला पुल है ये, उसके नीचे पेस्ट्री पैलेस सामने शॉप है, उसके जस्ट ऑपोजिट। नहीं तो अगर बताऊँ मैं आपको पिलर नंबर, तो ये 7 और 8 इन दोनों के ऑपोजिट बैठे अंकल अंडे वाला। बाय बाय।